वहीं प्रदेश सरकार बाल श्रम को रोकने के लिए काफी प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बाल श्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल ताजा मामला मैनपुरी में सरकारी स्कूल का है, जिसकी पूर्व छात्रों का स्कूल में झाड़ू लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में नाबालिग ने बताया कि वो गरीब है और झाड़ू लगाने के लिए पूर्व छात्रा को स्कूल में आंटी ने रखा हुआ है, जो कि छात्रा को महीने पर 1,800 रुपए देती हैं। वहीं जब पूरे मामले पर महिला कर्मचारी से बात की गई तो उसने बताया कि बीमारी के चलते उसने अपनी सुविधा के लिए बच्ची को रखा हुआ है। बता दें महिला कर्मचारी अच्छी तनख्वाह ले रही है और अपना सारा काम बच्ची से करवाकर उसे 800 रुपए दे रही है। वहीं पूरे मामले में जब प्रधानाचार्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कई बार मना कर चुकी हूं, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। इससे पहले भी अधिकारियों को मैंने सूचित किया, लेकिन कोई प्रक्रिया अमल में नहीं लाई गई। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका गुप्ता ने मामले की जांच कराने की बात कही है। मैं लगाती क्यों लगाती हूँ झाड़ू यहाँ? इसलिए मैं गरीब हूँ। तो यहाँ झाड़ू लगाने का कोई पैसा वगैरह मिलता है? हाँ सर मिलते हैं। कितने पैसे मिलते? 800 रुपए। कौन देता है? आंटी। आंटी देती है। और कोई स्टाफ नहीं है झाड़ू लगाने वाला? हाँ सर। तुम लगाती हो? स्कूल खोलना है, अपनी देख रेख करना है। यहाँ की साफ सफाई करने का काम किसका है? ड्यूटी तो होती है हमारी, लेकिन हम सब परेशान है। अपनी साफ सफाई का कार्य किसका है? आपकी है ना जिम्मेदारी? इसकी झाड़ू लगाना, स्कूल साफ सफाई रखना किसकी किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है ना? ये झाड़ू लगवाती इनसे होता नहीं है, तो हमने इनसे मना भी किया था, हमने कि आप खुद लगाया करो, तो ये बोली कि हमसे होता नहीं है, तो हम ये पैसे दे के लगवाते हैं। अभी आप लोगों ने ये जानकारी दी मुझे और मैं अभी वीडियो देख करके इसकी तुरंत मैं जांच करवाती हूँ। जो भी इसमें दोषी है सिर्फ प्रॉपर कार्रवाई करवाऊंगी मैं। ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। और इसमें फोर्थ क्लास कर्मचारी के साथ साथ जो वहाँ के स्टाफ है, हेड है, वो क्या कर रहे हैं, इसमें पूरी मैं जिम्मेदारी तय करती हूँ। इसमें पहले मैं वीडियो देख के जांच करवा लेती हूँ।